तो एसेंशियल फीचर्स कह सकते हैं, एसेंशियल फीचर्स। तो एसेंशियल फीचर्स में क्या होगा, अब इतना समझ गए होंगे जो परिभाषा में दिया गया कुल उतना ही है। अ शॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इन विच पर्सनल प्रॉपर्टी इज ऑफ वन पर्सन टेम्पररीली ट्रांसफर्ड या गोज इनटू पोजीशन ऑफ अनदर। कोई भी ऐसी संपत्ति है जो किसी की स्वामित्व की है और वो अस्थाई रूप से किसी दूसरे के कब्जे में जाती है किसी उद्देश्य की पूर्ति है तो, और उस उद्देश्य की पूर्ति होते ही उसको वापस किया जाता है। ठीक है, तो चलिए तो 148 को समझ गए। अब एक चीज समझिएगा कि इसमें कहा जा रहा है माल का कब्जा दिया जाना चाहिए, वो जो गुड्स है वो इसकी डिलीवरी इनको होनी चाहिए। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन, पहला डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कब्जे का परिदान या माल का कब्जा देना, माल का कब्जा देना। ठीक है, क्या कहां कहां से लोग चले आ रहे हैं, देर सवेर जमन हो रहा है चले आ रहे हैं, कोई बात होती है, टाइम से रहिए भाई। पहली महत्वपूर्ण कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है कि माल का कब्जा दूसरे को दिया जाना चाहिए। ठीक, बिना कब्जा दिए यहां पे बेलमेंट नहीं क्रिएट होगा। जैसे मैं उदाहरण पहले ही बता चुका हूं, एक केस और ले लें, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एक ट्रक होती है, ट्रक को एक जगह पार्क किया जाता है, पार्किंग होती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी की पार्किंग नहीं होगी। अब क्या होगा, जो मैं बताया ना चिप्पी जो लाल गुलाबी या किसी रंग की होती है इशू की जाती है आपको अगेंस्ट दैट पार्किंग, वो इशू की गई और 24 आवर्स वो सेफ रखी जाएगी, इसके लिए वो वहां पे पार्क की गई और उसके लिए चार्जेस पे किए गए। ठीक है, 24 घंटे बाद या 24 घंटे के अंदर जब ट्रक का मालिक आता है तो गाड़ी उड़ गई थी, ठीक उड़ गई थी। तो अब ये कहा जाए, उन्होंने कहा भाई हमको इसका कब्जा नहीं दिया गया था, तो कब्जा क्या, उसकी चाबी थोड़ी दी जाती, वो जो आपने रसीद जारी की और आपके यहां वो पार्क की गई उसका एक दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी, यही कब्जा माना जाता है, आपको उतनी देर के लिए सेफ रखने के लिए दिया गया तो वो माना जाएगा कि आपके पोजीशन में कब्जे में। ठीक है, देखिए यहां एक प्रश्न और उठता है कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है वो आपके घर में है और घर की चीजें यूज करता है, कुछ लॉस हो जाए किसी चीज में, घर में गया टीवी देख रहा है टीवी उससे डैमेज हो गई, तो क्या आप उससे कहेंगे क्या कि आपके यूज के लिए कब्जे में दिया था और आपने तोड़ दिया इसलिए पैसा दो, नहीं भाई, मेहमान से वैसे भी नहीं कहेंगे। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, आपके यहां कोई काम करने वाला जिसको कहेंगे नौकर है, वो सारी चीजें अपने एक तरह से देखा जाए तो सारी चीजें यूज करता है, सब कुछ है, लेकिन वो एक केवल जिसको कहेंगे अभिरक्षा कस्टडी, केवल वो कस्टडी होती है, वो उसके पोजीशन में चीजें नहीं दी जाती, तो वहां बेलमेंट का रिलेशन नहीं क्रिएट होता है, ये बात ध्यान देने वाली है। तो जो बेलमेंट है इज
कह सकते हैं कि थोड़ा सा अंतर होता है उसका आपके जो बेलमेंट में पोजीशन दिया ट्रांसफर कह सकते हैं कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन जो होता है जो आप पोजीशन के लिए उसको दूसरे को देते हैं परिदान करते हैं उससे। और ये केवल जो सामान्य अभिरक्षा जैसे दो उदाहरण आपके सामने है नौकर का या कोई आपके घर आता है रहता है तो इन दोनों से थोड़ा बहुत डिफर होता है अलग होता है ठीक है। तो वो बेली के तौर पे उसको हम उपनिहिति के तौर पे उसको हम नहीं कह सकते कि उसके बेलमेंट का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक चीज और समझिए कि बेलमेंट में जो परिदान किया जाना है जो डिलीवरी की जानी है गुड्स की उसका तरीका कुछ भी हो सकता है तरीका उसका कुछ भी हो सकता है। वो कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि हम आपको कहें ही कि नहीं ये लीजिए आपके कब्जे में हम दे रहे हैं या जैसे हम पार्किंग करते हैं तो एक रसीद पाते हैं। कुछ ऐसे आचरण कंडक्ट बाय कंडक्ट देखिए कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग शुरू से पढ़ते चले जा रहे हैं कि आचरण भी कुछ चीज होती है उससे भी चीजें देखी जा सकती हैं इंटरप्रेट की जा सकती हैं कि वास्तविकता क्या है। जैसे सर पिछले आपने पढ़ा होगा उम्मीद करता हूं ये पढ़ा होगा जरूर ये केस बताया गया होगा अल्टजेन वर्सेस निकोल्स का मामला होता है। निकोल्स ये आप पढ़े हैं फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूं भाई आप पिक्चर में देखें पुरानी जो अंग्रेजी फिल्में होती हैं उसमें बड़े राजशाही रूप में जाते हैं लोग किसी कैफे में गए या कहीं रेस्टोरेंट में गए और जाते हैं तो बड़ी कर्सी में वहां का जो वेटर या कोई और होते हैं आके बड़े बड़े चूंकि वहां जाड़ा वाड़ा रहती है ना हमेशा रशा वगैरह में अमेरिका वगैरह में तो बड़ा सा ओवरकोट होता है पीछे से पहुंचा वेटर उतारा आराम से सर आप बैठे बैठा। अब वेटर ने देखिए कर्सी में कह सकते हैं ये जो अर्जन है इनकी कोट उतारी और ले जाके पीछे कहीं टांग दी। टेक्निकली जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि माल का जो कब्जे का परिधान है वो डिलीवरी ऑफ गुड्स है डिलीवरी ऑफ पोजीशन है उसका मैनर कुछ भी हो सकता है। अगर वो इस तरह का है कि वो पोजीशन दी जा रही है या पोजीशन दूसरे के पास जा रही है तो मान लिया जाएगा इसमें यही था उसने उतारा और ले जाके पीछे टांग दिया। जब बंदा खा पी के वापस आता है मतलब खा पी चुकता है बोलता है कोट कोट तो है कोट वॉज गॉन कैब। अब क्या होगा उसने कहा कि ये जो वेटर था इसने उतारा और ये आपके रेस्टोरेंट का कर्मचारी है इसलिए जिम्मेदारी किसकी है जिम्मेदारी आपकी है आप वापस करो हमें पैसा दो इसका। तो यही समस्या आई कि जो निकोल्स यानी रेस्टोरेंट मालिक था उसने कहा भाई आपने ऐसी ऐसी डिलीवरी नहीं दी या बेलमेंट का जब मामला आएगा तो आपने ऐसा कोई कब्जा तो दिया नहीं था उसने कर्सी में उतारा ठीक है कर्सी में उतारा मैंने तो नहीं कहा था मैंने तो ये नहीं कहा था कि उस खूंटी में टांगो मैं खाना खाता रहूंगा देखता रहूंगा ठीक है उस जगह मेरे सामने निगाह के रखो उसने उतारा आपको उसकी जिम्मेदारी होगी उसको सेफ रखे सेफ रखना उसकी जिम्मेदारी होगी। कब्जा कैसे भी ट्रांसफर हुआ यह मामला यहां होता है ठीक है। तो कब्जे का ट्रांसफर होना पोजेशन ऑफ जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स है वो जरूरी है ये समझिए। एक केस बहुत बढ़िया देखिए इसमें ऐसे ही समझिएगा जो मैं बता चुका कि अगर जो अर्जेंट थे जिनका कोर्ट था वो उसको इंस्ट्रक्ट करते ठीक है यार ये कोर्ट उतारो जरा कहीं टांग दो वो टांग दो वहां मैं देखता रहूंगा तो कोर्ट होती जिम्मेदारी किसकी जिसकी कोर्ट। लेकिन उसने उतारी उसने अपने कस्टडी में रखी उसने नहीं बताया सर मैं वहां टांग दे रहा हूं मैं जा रहा हूं दूसरे को सर्व करने आप देखते रहना अपनी कोर्ट ऐसा तो नहीं कहा ना नहीं कहा तो जिम्मेदारी लो। ये है पोजेशन का ट्रांसफर पोजेशन की डिलीवरी ये किसी भी मैनर में हो सकती है ठीक है। द गुड्स मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द बेली फॉर वॉट एवर इज द पर्पज ऑफ बेलमेंट कुछ भी पर्पज हो सकता है। वंस दिस इज डन अ बेलमेंट अराइजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैनर इन विच दिस हैपेंस कैसे भी घटित हो वो उसके पास गया खत्म
इसमें पर्पज क्या है, जब तक मैं खाना खा रहा हूं मेरी कोर्ट सेफ पड़ी है, ठीक। तो ये होता है, यहां पे बाद में जब मामला होता है, मुकदमा होता है, तो न्यायालय रेस्टोरेंट मालिक को दाई ठहराता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको केस बताते हैं, मजा आएगा। महिलाओं के व्यवहार से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं महिला कह रहा हूं, कोई पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूं किसी लड़की या हो, ठीक है। वो आपके घर में आपकी मां भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड भी हो सकती है। बहुत बहुत अविश्वास वाला उनका भाव होता है, बहुत ही अविश्वास, किसी पे विश्वास तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही केस है, आप सुनिएगा, कालिया पेरुमल, अच्छा सा नाम है, कालिया पेरुमल वर्सेस कालिया पेरुमल पिल्लई भी लिख दो भाई, नाम छोटा नहीं चाहिए, पिल्लई बनाम विशालक्ष्मी पता नहीं क्या, विशालक्ष्मी, विशालाक्षी होना चाहिए, विशालक्ष्मी जो भी है, बहुत अच्छा सा मजेदार केस। एक महिला होती है, शी गोज टू गोल्ड स्मिथ और अपने कुछ पुराने जेवर लेके जाती है, महिलाओं का जेवर से बहुत बड़ा लगाव होता है, बहुत बड़ा लगाव होता है, फिर एक बार सब छोड़ जाए लेकिन जेवर अगर उनके सुरक्षित रहेंगे, इवन हस्बैंड भी मांगता है, नहीं है, कहां है, क्यों दे, हमारे पापा ने दिया है, हमारी मम्मी ने दिया है, हमारी सास ने दिया, नहीं नहीं दे। तो ये उसी तरह की कुछ महिला, ये जो बहुत ही संशय वाली, अपने कुछ गहने लेके सुनार के यहां जाती है, कहती है इसको पिघलाओ, मेल्च करो और इसको मेरे कुछ ऑर्नामेंट्स नए बना दो, ठीक। लेकिन मन में डर है कि सुनार है, चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। एक देसी कहावत आप लोग नहीं जानते होंगे, पहले तो होता था सुनार ही होते थे गांव में, अब तो तनिष्क और रिलायंस आ गए। जितनी बार गहने सुनार के हाथ में आप देंगे उतनी बार उसमें से सोना गायब हो जाएगा, वजन उतना ही रहेगा, सोना गायब हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। तो कुछ इसको भी ऐसा ही परसेप्शन रहा होगा, इसने कहा ठीक है बनाओगे, लेकिन शर्त एक है, जब तक तुम बनाओगे मैं बैठी रहा करूंगी। तो सुबह से लेकर शाम तक बैठी रहा करती थी, चलो तोड़ो, पिघलाओ, ये डिजाइन बनाओ, वो डिजाइन बनाओ, बना के शाम को जब होता तो कहती ऐसा करो सब वापस करो, सब उससे वापस लेती थी, एक बक्सा में बंद करती थी, छोटे से पोटली कह सकते हैं, और उसको उसी के कमरे में, अब बुद्धिमानी के पराकाष्ठा अच्छा देखिए, उसी के कमरे में ये रख दे रहे हैं और ये चाबी हम लेके जा रहे हैं, बुद्धिमानी की पराकाष्ठा है, तो हम लेके जा रहे हैं और फिर आएंगे। फिर आती थी, फिर बक्सा खोलती थी, भैया फिर बनाना शुरू करो, फिर वो काम करते थे, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही चल रहा था। एक दिन सुनार के घर में चोरी हुई, बक्सा भी गायब, बक्सा गायब हो गया, आप बेचारी सारी बुद्धिमानी गायब हो गई। अब इसने कहा तुम्हारे यहां से गायब हुआ है, तुम दो, मेरे से क्या मतलब, मेरे से क्या मतलब, तो बक्से की चाबी दिखाती थी, बक्सा नहीं दिखाती थी, हम इसमें क्या रख रहे हैं, यहां था एक, तुमने एक हमारे घर के कोने को एक तरह से कह सकते हैं यूज किया है, मुझे नहीं दिया है। आप भी टेक्निकली इसमें सोचिए तो उस बंदे को पोजीशन या कह सकते हैं डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं दिया जाता था। आप सोचिए ना, तुमसे लिया, बक्से में खुद बंद किया, बक्सा एक कोने रखा, चाबी भी मेरे पास, पोजीशन कैसा भाई, अपने से ही रखना, अपने से पोजीशन कैसा। तो गोल्डस्मिथ को जब क्लेम किया गया तो उसने यही कहा मेरे कब्जे उब्जे में नहीं थे, आप एक जगह रख के जाती थी, चाबी लेके जाती थी, आपके सामने खुलता था, आप इकट्ठा करके। तो कुल मिलाकर न्यायालय ने कहा कि हां सही कह रहा है आदमी, आदमी सही कह रहा है, इसको पोजीशन तो मिला ही नहीं। तो उसके फेवर में ये बात निर्णित की गई गोल्डस्मिथ के कि इट वॉज नॉट इन योर पोजिशन, यानी डिलीवरी ऑफ पोजिशन वॉज नॉट मेड, सो ही वॉज नॉट लाइबल फॉर एनीथिंग, ठीक। तो इसी तरह का, यहां तक बात समझ में आ गई कि डिलीवरी ऑफ पोजिशन ये बहुत जरूरी है। अब देखिए एक मामला इसमें उठता है, मामला इसमें आता है किस चीज का, एक उदाहरण, इसी तरह का उदाहरण आप देखिए, अभी हम जो डिलीवरी ऑफ पोजिशन बात कर रहे हैं,
कालिया पेरुमल पिल्लई वर्सेस विशा लक्ष्मी का केस देखा, इसके बाद हम देख सकते हैं इसी तरह का उदाहरण क्या होता है। आप लोग अधिकतर आप लोगों के मम्मी पापा या आप खुद भी, कुछ भी हो सकता है कि आप कुछ लोग पैसे वाले ज्यादा हो और वो पैसा कहां रखते हो, खर्च न कर पाते हो मित्रों पे, और या आपकी प्रवृत्ति न हो तो उसको ले जाके बैंक लॉकर में रखते हो बचा के। नंबर दो का है भैया पैसा खाते में भी नहीं रख सकते, तो ज्यादा ही पैसा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने बैंक लॉकर में रखा और सपोज दैट कि बैंक में डकैती पड़ी, और वो अभी कुछ दिन पहले, अगर आप लोग इलाहाबाद के होंगे तो 3-4 साल पहले यही सिविल लाइन्स में ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जहां भी चेस्ट था या जहां सेफ था वहां से खोद के पूरा लॉकर ही उठा ले गए। बहुत जो पैसे वाले रहे होंगे उनका बड़ा नुकसान हुआ। तो अगर ऐसी कोई स्थिति होती है बैंक का लॉकर तोड़ के आपका पैसा ही पूरा गायब हो जाए तो क्या बैंक उसके लिए लायबल होगी क्या, बताइए। आप लोगों की गलतफहमी आज दूर हो जाए। तो देखिए, अतुल मेहरा वर्सेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मामला आता है, वही बैंक लॉकर का मामला है। बैंक में आपने कुछ रखा, लॉकर में आप क्या करते हो, कुछ चार्जेस देते हो, ठीक है। कुछ चार्जेस देके आप उनका एक कोना, एक उनके प्रमाइसेस का एक कोना अपने लिए रिजर्व कर लेते हो कि यहां पे हम कुछ लाके रखेंगे। आपसे मतलब नहीं है, आपसे मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि जब वो लॉकर खोलता है, कभी भी आप लॉकर अपडेट करने जाओ वो खोलता है बंदा, और चाबी आपकी लगी उसकी लगी, खुला ताला, और वो अपनी चाबी धीरे से निकाल के फटकी वैसे ही बंद कर रहे हुए सिर नीचे करके निकल जाता है बाहर। उसको नहीं देखना है कि आपके इसमें क्या है, मेडिकल की डेट में चोरी हो जाए तो आप उसके खिलाफ FIR कर दोगे। तो जब आप उसको दिखा नहीं रहे हो कि इसमें सोना रखा है, कोयला रखा है या खाली है, तो जिम्मेदारी किस बात की। एंड यू आर हायरिंग अ स्पेस इन बैंक्स प्रीमाइसेस, यू आर नॉट डिलीवरिंग एनीथिंग टू बैंक, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऐसी कोई दुर्घटना होने पे बैंक आपसे कोई वास्ता नहीं रखता है, आपसे कोई मतलब नहीं है। हो जाए खो जाए, चोरी हो जाए, आपको थोड़ा विश्वास है कि हमारा प्रमाइस सेफ है, आप इसलिए आते हो, उसके लिए हम आपसे चार्जेस लेते हैं। तो ये कुछ फंडा होता है यहां पे, इसको आप समझ लीजिए। तो आई थिंक यहां पे समझ में आ गया होगा। अभी रिसेंटली आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, अभी आप समझिए, अभी रिसेंटली आया है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी अमाउंट हो, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जो भी हो, अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, ओनली 5 लाख। तो जब वहां पे आप दिखा के 2 करोड़ देके आपका 1,95,00,000 डूब जाएगा, तो वहां बिना दिखाए आपको, मतलब देखिए रीजनिंग समझिए कि जो चीज आप बैंक को दिखा ही नहीं रहे हो, वो आप गोपनीय रूप से ले जाके वहां छुपा के रखते हो, ना इनकम टैक्स का कोई लफड़ा हो, ना सेल्स टैक्स का लफड़ा हो, ना कुछ हो, छुपा के रखते हो, तो जो चीज किसी को पता नहीं, कल के डेट में चोरी हो जाए और बैंक देने लगे आपके डिक्लेरेशन पे कि आप लाके जो कहोगे हम दे देंगे, तो बैंक तो 2 दिन में तबाह हो जाएगा, दूसरा दिन नहीं लगेगा। सब कहेंगे 10-10 करोड़ रुपए मैंने रखे थे, सोने रखे थे, कोई कि जो जो डिलीवरी की जाती है वो कैसी होनी चाहिए। डिलीवरी ऑफ पोजीशन जो है वो 2 तरह का हो सकता है, एक्चुअल, एक्चुअली मतलब इन एक्चुअल, इन फिजिकल फॉर्म यू हैव डिलीवर्ड समथिंग, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। सेकेंड वन कंस्ट्रक्टिव, ये है वास्तविक। व्हेन यू डिलीवर समथिंग इन फिजिकल, या ये कह सकते हैं फिजिकली समथिंग डिलीवर टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी, वास्तविक परिधान या वास्तविक, हां परिधान। और दूसरा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, आनवयिक, ध्यान दीजिएगा, आनवयिक परिधान। इसको आप समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं अपनी बाइक ले जाके आपको देता हूं, भैया ये रख लो, मैं इतने दिन बाद आऊंगा, वापस लूंगा, ये पर्ची है, दिखाना, ले जाना, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। यू हैव डिलीवर्ड योर बाइक टू जो भी स्टैंड का ऑपरेटर है उसके पास। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, नॉट फिजिकल,
डिलीवरी हैज बीन मेड, कोई फिजिकल भौतिक रूप से किसी चीज का परिधान नहीं किया गया है। किया क्या गया है, मान लीजिए उदाहरण आप समझिए, समझ जाएंगे व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक होता है बैंक, सुनिए कहीं से कोई चीज आप मंगाते हैं रेलवे के थ्रू और वो आके रेलवे के गोडाउन में पड़ जाता है, ठीक है। तो जो भेजने वाला है वो एक बिल्टी भेज देता है, एक कागज भेज देता है कि ये इनके पास ये जो पर्ची दिखाएगा, जैसे आप साइकिल स्टैंड में रसीद होती, कोई भी रसीद दिखा के निकाल सकता है, वैसे ही मान लीजिए कोई सामान आया आपके किसी आदमी ने भेजा, सप्लायर ने भेजा और रेलवे में आके पड़ गया, आपके पास एक बिल्टी आती है, चाहे मेल से आ जाए चाहे डाक से आ जाए, कि भैया वहां माल पहुंच रहा है, आप इसको ले जाके रसीद दिखा के बिल्टी दिखा के माल को छुड़ा लेना, ठीक है। मोरबी मर्केंटाइल बैंक, ठीक है, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें वैसे ही होता है कि एक आदमी की कोई सामान आता है रेलवे से और वो जाके उसको एक भेज दिया जाता है बिल्टी, ये लो और जाके वहां छुड़ा लेना। तो बिल्टी जब कोई भी आदमी वहां पे रेलवे में जो माल आया उसके लिए किसी की फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत, कोई तो जाएगा, बट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस वहां नेसेसरी नहीं है। एनी अदर पर्सन, कोई भी हो सकता है who has that ability can show and will get them that goods. वो दिखाएगा ये है मेरा बिल्टी, ये माल मेरा आया है, मिलाएगा वो, मैच कराएगा, जो भी डिटेल्स होंगी वो उसको हैंड ओवर कर देगा। तो यहां पे देखिए परिधान किस चीज का हुआ है, बिल्टी का, बिल्टी का। अभी रेलवे को आप अलग रखिए, बिल्टी का परिधान हुआ है, उस बिल का इनवॉइस का डिलीवरी हुई है और उस डिलीवरी से ये आदमी मालिक बन जाता है और इसको दिखा के गुड्स ले सकता है। तो फिजिकली उस सप्लायर ने उस माल को उसको नहीं दिया है, दिया क्या है, he has given only that invoice, ब्रिटी कहेंगे, ब्रिटी यहां पे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि when there are no change of physical position, no change of physical position, goods remaining where they are, जहां पे माल है वहीं पे रहेगा, ठीक है। But something is done which has the effect of putting them in the position of the bailee is called constructive delivery. मांस माल का वास्तविक परिधान न होके कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि जो व्यक्ति है वो बेली की कंडीशन में आ जाता है, तो वहां पे ये बेलमेंट का तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानी जाएगी, जैसे रसीद का परिधान, सिंपल एक लाइन में इतना समझिए, ठीक है। एक केस इसमें जल्दी से हम लोग समझते हैं, अभी मैंने बताया था फजल वर्सेस सलामत राय, ये केस आपने लिख लिया होगा, फजल वर्सेस सलामत राय, ठीक है। इसमें दो लोग होते हैं जैसा आप देख ही रहे हैं, तो सलामत राय महोदय ने फजल साहब की एक घोड़ी मेयर इसको होल्ड कर रखा, क्यों, कोर्ट ने कोई एक डिग्री पास की थी कि ठीक है जब तक ये कुछ ऐसा कार्य जो भी करना था ये नहीं कर लेते हैं तब तक आप उसके बदले में ये घोड़ी अपने पास रखते, ठीक है, कोई बात नहीं। पर तो फजल साहब क्या करते हैं, वो डिग्री जो भी उसकी कंडीशन थी उन्होंने सेटिस्फाई कर दी, पूरा कर दिया, एंड आस्क्ड फॉर हर मेयर, वापस लेना चाहा कि भैया हो गया, मैंने डिग्री की जो शर्तें थी पूरी कर दी है, प्लीज रिटर्न इट नाउ। इन्होंने कहा ठीक है मैं वापस तो कर दूंगा, बट जो 15-20 दिन महीने भर मेरे पास रही है, 1000 रुपए का चना खा गई, 1000 रुपए या 500 रुपए, व्हाटएवर अमाउंट दैट वाज, केवल इतना था कि जो भी उनका खर्चा हुआ है, व्हाट द एक्सपेंसेस ही हैज मेड फॉर दैट मेयर, दैट शुड बी रिटर्न बाय मिस्टर फजल। उन्होंने कहा वापस कर दो, अपनी घोड़ी ले जाओ। इन्होंने कहा अभी नहीं देंगे, तो इन्होंने तो उसको रखा, अपने पास ही रखा, नहीं छोड़ा, घोड़ी चोरी हो गई ना आप पर,
अब इन्होंने अगर उसको नहीं छोड़ा था तो ये एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मामला है, डिक्री वॉज सेटिस्फाइड, आपको वापस कर देना चाहिए। आपने रखा क्यों? जब तक कि आपके हर्जे खर्चे न मिल जाए, हर्जे खर्चे जब तक नहीं मिल जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है उसको सुरक्षित रखो। इफ इट इज लॉस्ट, अगर ये चोरी हो गई, इफ इट इज स्टोलन, देन लाइबिलिटी इज योर्स। तो ये मामला बड़ा अच्छा सा है, इसको आप लिख सकते हैं। तो चोरी हो गई, जिम्मेदार बनो, जिम्मेदार इनको ठहराया गया। तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव और ये चीज जो हम बता रहे हैं इसको जरा 149 में हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा गया है। इतना जो समझ में आया ना, अब 149 जरा देखिए, तब ये रेफरेंस समझ में आएगा। डिलीवरी टू बेली हाउ मेड, ये जो डिलीवरी की बात थी ये कैसा होगा? डिलीवरी ऑफ पोजिशन अलग चीज है, 148 में आप देख लीजिए, लेकिन जब उसके पार्ट में आएंगे कि एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ये सारी चीजें, तो ये कुछ 149 कहता है, इसको जरा समझने की बात है। द डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजिशन ऑफ द इंटेंडेड बेली और ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। मतलब माल का परिधान कैसे किया जाएगा, एक्चुअल डिलीवरी कर दो या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कर दो, इसके इंटरप्रिटेशन से ये बातें आएंगी कि बेली को टू द डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसा करें विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजिशन ऑफ द इंटेंडेड बेली, जिसमें यह आशय हो कि इस माल को हम बेली को दे दिए, जैसे वो इनवॉइस हमने दे दिया, इनवॉइस जाके माल वहां छुड़ा लो, ये तुम्हारा होगा, जैसे हमने आपको इनवॉइस दिया वो एंड गेट इट फ्रॉम रेलवे स्टेशन, हमने माल का प्रदान आपको कर दिया, डिलीवर्ड द गुड्स टू यू, पोजीशन जो हुआ ट्रांसफर हो गया, ठीक है, पोजीशन आपको दे दिया। इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन ऑथराइज टू होल्ड हिम ऑन हिज बिहाफ, उसके द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति हो तो उसको भी ऐसा ही किया जाएगा कि उसको ऐसा कुछ इंटेंशन के साथ काम कर दिया जाए जिससे ये हो कि इसके पास माल पहुंच गया। तो केवल 149 में इतना कहकर शांत हो जाता है। इफ विदाउट हैविंग बीन गिवन फिजिकल पोजीशन, नीचे आइए नोट्स पे, इफ विदाउट हैविंग बीन गिवन फिजिकल पोजीशन एनीथिंग इज डन विच हैज द इफेक्ट टू पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ बेली, यानी कि फिजिकल पोजीशन ना देखे, नोट्स से निकल के आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, नोट्स जो दिया है उससे निकल के आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या है? इफ विदाउट हैविंग बीन गिवन फिजिकल पोजीशन, बिना फिजिकल पोजीशन दिए एनीथिंग इज डन, कुछ भी ऐसा किया जाता है विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजीशन ऑफ बेली, जिससे प्रभाव क्या हो जाए, जिसका प्रभाव यह हो जाए कि ये बेली के पास ये माल पहुंच गया, बेली को माल दे दिया गया। फिर क्या होगा? इट शैल बी डीम्ड टू बी डिलीवरी ऑफ पोजीशन, मान लिया जाएगा कि पोजीशन की डिलीवरी हो गई है, डीम्ड शब्द आ गया। फॉर एग्जाम्पल्स गिविंग द की ऑफ द वेयर हाउस, बहुत अच्छा उदाहरण, मैंने इनवॉइस का उदाहरण दिया, ये देता है कि एक गोडाउन में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं और आपको बता दिया गया, लिस्ट दे दी गई कि इस गोडाउन में इतनी इतनी चीजें हैं और ये लीजिए इसकी चाबी और इसकी सुरक्षा करिएगा जब तक हम आ नहीं जाते हैं। वेरी गुड एग्जाम्पल। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, अनवैध परिदान, हमने दे दिया चाबी, दैट इज, तो क्या सारे गुड्स, सारा गोडाउन आपको हमने उठा के नहीं दिया, चाबी दे दी, इसमें ये चीजें हैं, ये लिस्ट है, मिला लो बस रखो, हो गया, ये हो गया गुड्स की फिजिकल, मैंने कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया, फिजिकली इट वॉज नॉट डिस्टर्ब बट इट वॉज डिलीवर्ड टू बेली, तो यहां पर मान लिया जाए। अब देखिए ये तो हो गया जो आप पहला पढ़ रहे थे, डिलीवरी ऑफ पोजीशन, डिलीवरी ऑफ पोजीशन 148 को मिला के या जो 148 से जो हम इंटरप्रेट करेंगे वो आएगा 149 का, ये वाला पार्ट आएगा, समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत?